गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दो फेस पैक के बारे में जो कि अभी मैंने रिसेंटली खरीदे हैं। मतलब 2 महीना हो गया होगा मुझे यूज़ करते हुए, पर इतने अच्छे हैं। और दोनों का कंपैरिजन मैं आपको बता दूँगी, इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँगी, एक अच्छा सा इमेज खींच के इस वीडियो में चिपकाने वाली हूँ ताकि आपको जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो भी पता चल जाए। जो इफ़ेक्ट है मैं पहले आपको उस वीडियो की शुरुआत में ये बता देती हूँ कि मैं इन दो फेस पैक के बारे में बात करने वाली हूँ। पहला तो है ब्लॉसम कोचर अरोमा मैजिक फर्मिंग ग्लो पैक, तो मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ। ये ब्लॉसम कोचर का है और ये भी अरोमा मैजिक। दूसरा जो है वो मेरे पास ये वाला है, ये पिगमेंटेशन के लिए है और ये शायद रिफाइंस एंड टाइटन्स स्किन, फाइन लाइन्स के लिए और जो भी 30+ लोग हैं उन सब के लिए ये पैक है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये ऑल स्किन टाइप है, पहले मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ। ग्रीन वाला ये क्रीमी है और मैं इसका टेक्सचर आपको बता दूँगी अलग से, पर ये क्रीमी है, ग्रीन कलर का है और जैसा कि हम सारे अरोमा मैजिक के बारे में जानते हैं, क्रुएल्टी फ्री है, वेगन है, ये है वो है, कोई केमिकल नहीं है, सब कुछ अच्छा अच्छा है इसके अंदर और ये हर्बल है, ये सारा कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसका जो प्राइस है वो 410 रुपीज़ है, यानी 410 रुपये है इसका प्राइस। और ये जो है सबसे अच्छी बात इसमें ये पिगमेंटेशन के लिए है, चेहरे पे थोड़े से दाग है, आपको दिखा होगा मेरे यहाँ पे ये वाला पिंपल हो गया है अभी, तो अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और ये लिटरली ये वर्क करता है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मैं इसको वापस से ख़रीदने वाली हूँ क्योंकि इट रियली मेक्स द डिफरेंस विद टू योर स्किन। सो इसके अंदर बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इन्ग्रीडियंट के नाम पे। कुछ का नाम मैं आपको यहाँ पे ले देती हूँ, इसमें है वेजिटेबल ग्रीसरीन और है इसके अंदर बड़े अलग अलग तरह के नाम दे रखे हैं, मतलब विटामिन सी भी है इसमें और इसके अंदर है लौंग, मजिस्ठा है, ब्लैकबेरी है और पेनीवर्ट लाइटन करता है कॉम्प्लेक्शन, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए अच्छा है। खैर लाइटन करता है पिगमेंटेशन इज़ रबिश यार, कोई भी प्रोडक्ट आपका मतलब फेस का कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन ट्रस्ट में ये जो जैसे ये अभी इसका ये दाग छूट जाएगा ये लाइटन कर देगा। सो मैं ये प्रोडक्ट मैं अच्छा बता रही हूँ, बाकी आपको ट्राई कीजिए और पता करिए कि कैसा है इसका जो पैकेजिंग है वो बहुत अच्छा है। और कैसे आपको यहाँ से अगर दिख जाएगा तो आप देखिए कि ये ग्रीन से डार्क मेहंदी का जो कलर होता है ना, हिना का जो कलर होता है, बिल्कुल वैसा इसका कलर है। सो और जो सेकंड वाला है इसको लगा कर के ना, आपको मैं अभी आपको इस वीडियो में लगा करके तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन इसको लगा करके आपको कम से कम 20-25 मिनट रखना पड़ेगा, ये ऐसे बहुत जल्दी से ड्राई नहीं होता, आपको रखना पड़ेगा स्किन के ऊपर। क्रीमी है बिल्कुल, बहुत ड्राई होगा भी नहीं, तो आपको 20-25 मिनट में फिर आपको आपका फेस वॉश करना पड़ेगा। सो दिस इज़ अबाउट दिस प्रोडक्ट विच इज़ रियली नाइस एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस विद दिस प्रोडक्ट एंड आई एम गोना रीपर्चेज इट। नाउ नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो ये वाला प्रोडक्ट है, ये है ब्लॉसम कोचर, ब्लॉसम कोचर अर्थ 2 बॉटल। सो धरती से उठा करके ये बॉटल में चिपका रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है। सो ये है 235 रुपीज़ का और इसका खासियत ये है कि आपके रिंकल वगैरह, फाइन लाइंस, स्किन को टाइट करेगा, ये सब के लिए ये अच्छा प्रोडक्ट बोल रहे हैं। और 100% पैराबिन फ्री, हार्श केमिकल नहीं है, अल्कोहल नहीं है, आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस नहीं है, कलर नहीं है। इंग्रेडिएंट है इसमें कायोलिन क्ले, कायोलिन क्ले का वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, विच इज़ अ मिराक्युलस प्रोडक्ट फॉर योर स्किन। और पता नहीं कौन से कोरिया या चाइना, पता नहीं कौन लोग जो है इन लोग ना ये अपने स्किन पे कायोलिन क्ले बहुत यूज़ करते हैं और इनकी स्किन एकदम चिकनी रहती है। सो कायोलिन क्ले इज़ गुड और एंड इसमें है और इसमें कुछ दे नहीं रखा है खास, लेवेंडर है, रोज़ है, लोटस फ्लावर है और क्या है, हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को, एलोवेरा है। सो अल्टीमेटली बहुत कुछ है,
आपके स्किन के लिए। और जो मेन बात है वो ये है कि ये ना इस डब्बे में आपको मिलेंगे ये पाउचेस, सी ये पाउचेस आपको मिलेंगे और इस पाउच में आपको मिलेगा ये प्रोडक्ट। तो आपको इसको ना, इसके साथ में एक जेल आता है अरोमा मैजिक का, या तो आप वो यूज़ कीजिए इसके साथ में, या आप एग वाइट यूज़ कर सकते हैं, या आप यूज़ कर सकते हैं दही या एलोवेरा जेल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज़, जस्ट यूज़ इट एज पर द प्रॉपर्टीज़। मैंने वो जेल नहीं ख़रीदा अरोमा मैजिक वाला, मैं ज़्यादातर के इसमें या तो एलोवेरा जेल मिला लेती हूँ नेचुरल जो पेड़ से निकलता है वो, या फिर दही मिला लेती हूँ। सो मुझे वो उतना ही इक्वल लगता है कि इक्वल इन टू द जेल है अरोमा मैजिक ने जो निकाला है उनके ब्रांड से। सो कंपैरिजन करूँ तो मुझे ये प्रोडक्ट इस वाले प्रोडक्ट से ना ज़्यादा, ओ इफ़ आई कंपेयर बोथ ऑफ द प्रोडक्ट्स आई वुड लव टू बाय दिस वन एंड दिस इज़ ऑल्सो गुड, बट इन कंपैरिजन टू दिस, दिस इज़ रियली नाइस प्रोडक्ट एंड दिस इज़ एवरेज परफॉर्मिंग प्रोडक्ट। मैं दोबारा इसको बाय नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये अगर मैं घर का जो मुल्तानी मिट्टी है और चंदन है वो लगाऊंगी तो वो इक्वलेंटी मुझे लगता है कि ये वही काम करेगा, बट आई एम डेफिनेटली गोना बाय दिस वन बिकॉज दिस रियली वर्क्स वेल एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस अबाउट दिस प्रोडक्ट। आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई एंड इफ़ यू हैव द पिगमेंटेशन एंड अनइवन स्किन टोन अराउंड योर माउथ और something somewhere in your face, then you should give it a try this product. And aaj ke is video mein na main aapko ye baat aur puch leti hu ki na ye maine baal maine recently hair cut liya hai to abhi mujhe aa nahi raha hai ki isko kaise set karna hai, par abhi main jaise bhi isko rakh rahi hu rough rakh rahi hu kyunki aap sabko pata hai ki mere paas chinku hai aur wo mera sara time le leta hai, so grooming ka to time hi nahi hai. So bataiyega ये वाला हेयर स्टाइल मेरे पे कैसा लग रहा है प्लीज़, आपके कमेंट्स का और आपके कंप्लेंट्स का क्वेरी का सबका मुझे इंतज़ार रहेगा और कॉम्प्लीमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा, ज़रूर से भेजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जो भी आपका क्वेरी है और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ लीजिए क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि मैं वीडियो में जो कुछ भूल जाती हूँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। सो फिलहाल के लिए टाटा।